नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। हर आदमी गतिशील रहना चाहता है, चलना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, एक स्थान पर ठहरना नहीं चाहता। परंतु प्रश्न एक सामने है कि कहाँ जाए, कौन से रास्ते से जाए, रास्ते की खोज। अच्छा रास्ता मिल जाए तब तो अच्छे स्थान तक पहुंच जाता है, रास्ता गलत हो तो या तो भटक जाता है या वहीं अटक जाता है। रास्ता कौन सा? महाभारत का एक बहुत सुंदर है कि महाजनो येन गतस्य पन्था, रास्ता वह है जिस रास्ते से महाजन गया है। जैन आगमों का वाक्य है जम बुद्धे ही अणाइन्नम, रास्ते का बड़ा महत्व है। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, हिंसा की समस्या है और इसलिए है कि कोई रास्ता बताने वाला नहीं है या रास्ते पर चलने वाला नहीं है। बड़े लोगों का काम है कि वे रास्ते का निर्माण करें, किंतु बड़े लोग तो रास्ते को उखाड़ रहे हैं। निर्माण करना बहुत बड़ी बात है। अगर बड़े लोग यह संकल्प करें कि हमें अच्छा रास्ता बनाना है, अच्छा राजपथ बनाना है, तो शायद बहुत सुविधा हो सकती है। बड़ी महत्व की बात है ये रास्ते का निर्माण। बड़े लोग कैसे कर सकते हैं? मैं एक आपको उदाहरण बताऊं कि बड़ा आदमी कैसे करता है। एक बात पहले साफ कर ले, दृष्टि साफ कर ले कि अच्छा आदमी, बड़ा आदमी हिंदुस्तान में पैदा होता है ये कोई नियम नहीं है। बाहर भी बहुत होते हैं, देशातीत है या बड़प्पन, या जैन धर्म में ही पैदा होते हैं यह भी कोई नियम नहीं है। जैनेतर जगत में भी बहुत बड़े लोग पैदा हुए हैं, बड़ा बड़ा काम किया है। धर्म से जुड़ा हुआ आदमी होता है सीधा, यह भी कोई नियम नहीं है। जो व्यक्ति किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो या न हो, किंतु जिसकी आंतरिक चेतना जाग जाती है उसमें बड़प्पन भी जाग जाता है। अमेरिका का एक उद्योगपति, धनी और प्रसिद्ध धनी हेनरी फोर्ड, जिसके नाम से कार वाले जानते हैं, एक दिन सेक्रेटरी बोला कि साहब ये आपका कोट पुराना हो गया है, फट गया है थोड़ा, आपके लिए शोभा नहीं देता, लोग क्या समझें कि इतना बड़ा धनी आदमी इस प्रकार का कोट पहनता है, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं दूसरा कोट सिला दूं। हेनरी फोर्ड गंभीर हो गए और गंभीर स्वर में बोले, भाई तेरी बात तो ठीक है पर अमेरिका का हर आदमी मुझे जानता है, हेनरी फोर्ड को जानता है, इस कोट से भी पहचान लेंगे, सब जानते हैं, तो फिर कोट को नया सिलाने की जरूरत क्या है। मौन हो गया सचिव, मौन हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर कोई प्रसंग आया और हेनरी फोर्ड को ब्रिटेन जाना था। सचिव आया और मधुर स्वर में बोला, साहब अब तो आपको विदेश जाना है, ब्रिटेन में जाना है, तो ये कोट अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आदेश दे नया कोट सिला दो। हेनरी फोर्ड बोले कि जरूरत क्या है, ब्रिटेन में मुझे कौन जानता है कि हेनरी फोर्ड है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सचिव मौन हो गया। एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, किसी भी देश काल से लिया जा सकता है। अगर आज के हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी और व्यापारी इसका अनुसरण करें
तो शायद रास्ता बन सकता है, पर रास्ता तो उल्टा बन रहा है कि व्यक्तिगत उपभोग के साधनों में इतना धन लगता है कि वह सारा धन अगर यह हिंसा की समस्या, आर्थिक समस्या को सुलझाने में लगे तो रास्ता बन सकता है। बहुत मुश्किल है रास्ता बनाने वाले लोगों को खोजना। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो रास्ता बनाते हैं। रास्ते को बिगाड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर रास्ता बनाने वाले कम मिलेंगे। और रास्ता वही बना सकता है जो बुद्ध होता है। बुद्ध प्रबुद्ध और अबुद्ध अनेक कोटि के लोग हैं। कुछ लोग अबुद्ध हैं जो हिंसा की तरफ जाते हैं और समाज को भी हिंसा की ओर ले जाते हैं, वे अबुद्ध लोग हैं। कुछ लोग प्रबुद्ध होते हैं, जागृत होते हैं, सोचते रहते हैं, और जो बुद्ध हो जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट अवस्था है बुद्ध अवस्था। जो बुद्ध बन गए, जिनकी चेतना समग्रतः जागृत हो गई, वे लोग हमेशा रास्ते का निर्माण करते हैं। हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो मंगल पाठ करते हैं, बोलते हैं अरहंता मंगलम, अरहत मंगल है। यह नहीं बोलते कि उद्योगपति मंगलम या व्यापारी मंगलम या मंत्री मंगलम, प्रधानमंत्री मंगलम या राष्ट्रपति मंगलम, यह नहीं बोलते हैं। अरहत को मंगल मानते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अरहत के पास एक पैसा भी नहीं, और किसी के पास कपड़ा है तो किसी के पास कपड़ा नहीं, अचेल भी होते हैं अरहत। तो मंगल उसको क्यों मानते हैं? किसी बड़े आदमी को मंगल माने, वह राजी होगा तो कुछ दे देगा। अरहत तो क्या देगा, एक पैसा भी पास में नहीं है। किंतु वास्तव में मंगल वही होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जितना अकिंचन होता है उतना ही बड़ा उसका मंगलत्व तो बढ़ता चला जाता है। अकिंचन होना बहुत बड़ी बात है कि जिसका कोई महत्व नहीं है, यह नहीं मानता यह मेरा है। यह मेरा मानना एक मिथ्या दृष्टिकोण है कि मेरा है, यह मिथ्या दृष्टिकोण है। अगर तेरा है तो तेरे साथ चलेगा, चलता नहीं है सब कुछ छोड़ जाता है, तो फिर मेरा कैसे हुआ? जो मेरा सो मुझे दो, कहाँ मेरा कहाँ होगा, चलता नहीं है। वह बात आपने कभी सुनी होगी, एक सन्यासी ने एक धनी आदमी से जाकर कहा था कि मेरा एक काम कर दो। बोला, आपका क्या काम है? कि यह सुई ले लो और अगले जन्म में मुझे वापस देना। बोला, महाराज भोले लगते हो, भोले साधु बन गए, भोले हो, अगले जन्म में सुई कैसे चलेगी? मुझे क्या पता आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, सुई कैसे ले जाऊंगा? आप जानते नहीं हो, हमारे समाज की रीत तो यह है कि मरने के बाद कुछ पास में होता है तो भी तो घर वाले ले लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो सुई को कैसे छोड़ेंगे, कैसे मैं ले जाऊंगा? कि साथ नहीं चलती, कि बिल्कुल नहीं चलती, चलती नहीं है। तो फिर ये इतना इकट्ठा कर रखा है, इतनी कंजूसी क्यों कर रहा है? आँखें खुल गई। आँख खुलना और रास्ता दिखना बहुत बड़ी बात है। जहाँ जब मेरा ये विकल्प बदल जाए और ये हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो चेतना हूँ, आत्मा हूँ, यह है रास्ता। अहिंसा की ओर जाने का रास्ता है ममत्व का विसर्जन, ममत्व का त्याग, और हिंसा की ओर जाने का रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा ममत्व, ज़्यादा वस्तुओं को अपनाने का प्रयत्न और अधिक संपत्तिशाली होने का प्रयत्न। रास्ता साफ है, एक अहिंसा का रास्ता और एक हिंसा का रास्ता,
मैं और मेरा यह हिंसा की तरफ जाने का रास्ता है। ममत्व का विसर्जन और अहम का विसर्जन यह अहिंसा की ओर जाने का रास्ता है। रास्ता मिल जाए तो समस्या सुलझ जाती है। आज हिंसा इसीलिए बढ़ रही है कि रास्ता सही नहीं है। पता नहीं क्या है, सच्चाई को जानते हुए भी आदमी नहीं जान रहा है। सब जानते हैं कि साथ में नहीं चलता, सब कुछ यही रह जाएगा, पता नहीं कौन भोगेगा यह भी पता नहीं। बड़ा विचित्र है। मैंने देखा एक आदमी काफी दलपति था, पास में बहुत पैसे थे, पुत्र नहीं था। तो बोला कि एक बेटा तो नहीं है, अब किसी को गोद लेना है। दत्तक पुत्र, एक बेटे को गोद लिया, गोद कहां से लाया बेटा? अनाथालय से लाया। अब अनाथालय से दत्त पुत्र लाया और उसको सारी संपत्ति देगा और मानता है बहुत अच्छा। यह नहीं सोचा कि मैं संपत्ति का त्याग कर सकता हूं, त्याग नहीं कर सकता। त्याग की बात चेतना जागती नहीं है। यह जानता है धन छूटेगा, दूसरे को देना है, चाहे दे या लिया जाए, कुछ भी हो, पर वह छूटता नहीं है। जब इशुकार ने पुरोहित के घर से धन की पेटियां मंगाई, महारानी को पता चला, महारानी ने देखा और पूछा ये कहाँ से आ रही है? कि भृगु पुरोहित जो साधु बन रहा है उसके घर से धन आ रहा है। महारानी को बड़ा विचित्र लगा, ये क्या, वह तो छोड़ रहा है और यहाँ पेटियां मंगाई जा रही है। महारानी ने राजा के सामने जो सिंह गर्जना की, बड़ी विचित्र की, महारानी बोली कि महाराज क्या आपको शरण दे देगी? शरण आप देखिए निश्चित माने कि एको धम्मो नर देवतानम न विजय अन्नमीय है किंची। एक धर्म ही त्राण है, संयम त्राण है, त्याग त्राण है, और यह कोई त्राण नहीं होगा आपको। महारानी की सारी सच्चाई और स्पष्ट शब्दों में सुनी, राजा की चेतना बदल गई और उसने भी ममत्व का विसर्जन कर दिया। तो हम लोग सोचें कि मंगल और शरण कौन हो सकता है? धर्म शरण हो सकता है, और धर्म का मतलब त्याग, संयम, अहिंसा। अहिंसा संयम और तव, अहिंसा संयम और तप, वह धर्म शरण हो सकता है, वह धर्म मंगल हो सकता है। यह वास्तविक सच्चाई है, पर इस सच्चाई को लोग सुनते तो हैं पर मन में जस्ती नहीं है, जस्ती नहीं है बात, इसीलिए वह ममत्व छूटता नहीं है। अगर हम बहुत गहराई से विचार करें, गहरा चिंतन करें, तो इसमें अंतर आ सकता है। आज हिंसा के युग में जहाँ हिंसा की बाढ़ आ रही है, नया रास्ता बनाने की जरूरत है। और मैं तो सोचता हूँ कि बड़े लोगों के ये समझ में आ जाए, जो पहली कोटि के प्रथम कोटि के उद्योगपति, बड़े व्यापारी और सत्ता के लोग हैं, उनके समझ में आ जाए तो शायद रास्ता अच्छा बन सकता है। पर एक साधारण आदमी के भी समझ में नहीं आती है तो उनके समझ में क्यों आएगी? वे क्यों छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि उसके आधार पर तो उनका बड़प्पन पल रहा है, उनका बड़प्पन हिंसा का रास्ता बना रहा है। रास्ता सही मिल जाए तभी कुछ हो सकता है। रास्ता बदले हिंसा भी कम हो जाती है,
रास्ता न बदले तो हिंसा भी बढ़ जाती है। इस प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताऊं कि विश्व में कुछ व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुए, साधक, विचारक, तत्वचिंतक। उनमें एक नाम है टॉलस्टॉय, रशिया के थे, बहुत विचारक, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, दुनिया के विश्व प्रसिद्ध आदमी। और उनकी प्रसिद्धि रास्ता निर्माता के रूप में है, जिन्होंने रास्ताओं का निर्माण किया था। टॉलस्टॉय के पिता बड़े जागीरदार, धनी आदमी थे। टॉलस्टॉय की लड़की, छोटी लड़की, कोई 7-8 वर्ष की रही होगी, पड़ोसी के घर गई थी, खेल रहे थे बच्चे, तो पड़ोसी के बेटे ने टॉलस्टॉय की लड़की को 2-4 थप्पड़ लगा दी। रोती रोती घर पर आई और आकर बोली कि मुझे चाबुक दो, चाबुक। टॉलस्टॉय ने कहा, क्या करोगी? कि उस लड़के ने मुझे पीटा है, मैं वापस जाकर पीट कर बदला लूंगी। यह बदला लेने की भावना तो आम बात है, बदला न ले तो आश्चर्य, बदला लेने की बात तो सामान्य बात है, सब लोग बदला लेना चाहते हैं। बदला लूंगी, बड़ा आक्रोश, मन में रोष और बदला लेने की प्रबल भावना, कि मुझे चाबुक दो। टॉलस्टॉय ने समझाया कि देखो, बदला लेकर क्या करोगी, क्या होगा? उसने पीट दिया, अब तुम पीटोगी तो फिर वह पीटेगा, इस परंपरा का कहीं अंत नहीं होगा, यह परंपरा तो चलती रहेगी। तुम उसका बदला लोगे, फिर वह बदला लेगा, फिर तुम लोगी, ये इसका अंत कहाँ होगा? अच्छा नहीं है, मैं देखो तुमको एक रास्ता बताता हूँ, एक मंत्र देता हूँ जिससे वह तुम्हारा बन जाएगा, तब तो अच्छी बात है। टॉलस्टॉय घर के भीतर गए और एक गिलास शरबत लेकर आए, आखिरकार जाओ तुम, जिसने तुम्हें पीटा उसको यह शरबत पिला दो। अब लड़की गई शरबत लेकर, उसको शरबत दिया, उसने शरबत पिया और उसके मन में पश्चाताप हुआ। उसने कहा, मुझे सॉरी, पश्चाताप है कि मैंने तुझको पीट दिया और अब से हम सब मित्र बने रहे। यह है रास्ता, यानी हिंसा का रास्ता और अहिंसा का रास्ता। हम अगर ठीक निर्माण कर सकें, बदले की भावना छूट जाए, बड़प्पन की भावना छूट जाए, यह प्रदर्शन की बात मन से निकल जाए और यह ज़्यादा उपभोग की बात भी मन से निकल जाए, तो नया रास्ता बन सकता है। पर कठिनाई है कि बड़े लोग तो रास्ता खराब कर रहे हैं, रास्ता बना नहीं रहे, रास्ता और बिगाड़ रहे हैं। तब फिर अहिंसा कैसे विकसित हो, हिंसा कैसे कम हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए आवश्यक है कि इस पर विचार किया जाए। हम अरहत को सामने रखें, अरहत मंगल है, अरहत शरण है, कि उनमें अर्हता है, रास्ता बनाने की योग्यता है, उन्होंने रास्ता बनाया है। ऐसा रास्ता यह संयम का रास्ता, त्याग का रास्ता, विसर्जन का रास्ता, उपभोग परिमाण का रास्ता, तो उपभोग का संयम करो। अगर यह रास्ता समझ में आ जाए तो फिर हिंसा कम और अहिंसा का विकास, अहिंसा का विकास का मतलब शांति का विकास और शांतिपूर्ण जीवन जीने की पद्धति का विकास हो सकता है। इसलिए जो लोग बोलते हैं अरहंता मंगलम, जो लोग बोलते हैं अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरहत को मंगल मानता हूँ, उन्हें चिंतन करना है, केवल उच्चारण नहीं करना है, मुझे अरहत की दिशा में प्रस्थान करना है, मुझे भी कभी अरहत बनना है। जैन धर्म ने एक बहुत महत्व की बात बताई कि तुम स्वयं अरहत बन सकते हो, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। यह नहीं है कि भगवान भगवान रहे, भक्त भक्त रहे, यह रास्ता दिखाया कि तुम भक्त हो आज
और उस रास्ते पर चलो तो तुम स्वयं भगवान बन सकते हो, अर्हत बन सकते हो, अगर यह रास्ता हमारे हाथ लग जाए। पर कठिनाई बहुत है, वही कठिनाई कि मोह का इतना प्रबल उदय होता है कि आदमी जानता हुआ भी अनजान बन जाता है। हम कोई साधना करें ऐसी जिससे हमारी मूर्छा कम हो, मोह कम हो। अगर मूर्छा या मोह कम होता है तो फिर रास्ता बन जाता है, रास्ता मिल जाता है। मैंने देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं, देख रही हैं, ध्यान से देखा तो पूरे विश्व में आज जिनकी पूजा होती है, जिनको पथ दर्शक माना जाता है, जिनको भगवान माना जाता है, उन सब के पास पैसा नहीं था, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं था। महावीर के पास एक पैसा नहीं, बुद्ध के पास भी एक पैसा नहीं, ईसु के पास भी एक पैसा नहीं, ईसाई धर्म के मुख्य ईसु बिल्कुल अकिंचन, और मोहम्मद साहब के पास पत्ते नहीं, एक सादा जीवन जीते थे। नानक की भी यही बात, जिन्होंने छोड़ दिया था। सब लोग जितने आज पूजे जा रहे हैं, आश्चर्य तो यह है कि धनवान अकिंचनों की पूजा कर रहे हैं और उनसे मांग भी रहे हैं, अकिंचनों से मांग रहे हैं। जब राजा ने पहले तो कहा कि महाराज आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, तो मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर दूं, और जब पता चला कि ये सोना बनाने की विधि जानते हैं तो हाथ पसार, तब साधु बोले कि राजन गरीब तू है कि मैं हूँ, मैंने कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं पसारा और तू हाथ पसार रहा है। हम बहुत गहराई से देखें कि ये ममत्व को कम करें, रास्ता है शांति का, रास्ता है ममत्व को कम करना, अहम को कम करना। जो कोई शांति चाहता है उसके लिए जरूरी है, और जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलेगा, ममत्व विसर्जन का रास्ता है, अहम का विसर्जन का रास्ता है, इस पर चलेगा वह स्वयं अर्हत बनकर और अर्हत की कोटि में समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम रास्ते को समझें, रास्ते का निर्माण कर सकें तो बहुत बड़ी बात, कम से कम रास्ते पर चलने का अभ्यास करें। तो अभ्यास, रास्ता, फिर वही शब्द आएंगे हमारे सामने, अहिंसा संयमो तव। अहिंसा का एक रास्ता है, संयम का एक रास्ता है, और तप का एक रास्ता है। इस रास्ते पर चलने की हमारी मनोवृत्ति बन जाए, हमारा संकल्प बन जाए, तो बड़े आनंद के साथ, शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक जीवन यात्रा इस प्रकार से चलाएं जिससे हम स्वयं रास्ते से दूर न जाएं और नए रास्ते का भी निर्माण कर सकें। ओम आर